फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स टू टर्म्स हमने इजीली सीख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ, किसकी तरफ बढ़ते हैं? प्राइम नंबर्स की तरफ। यस, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जिनके केवल और केवल टू फैक्टर्स हो, जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर्स हो? टू फैक्टर्स हो। नंबर वन तो वन, नंबर सेकेंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। केवल और केवल वन से और अपने आप से ही डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको हम? प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने कहा थ्री, तो बताना थ्री के वन और थ्री। यस, इट्स वेरी सिंपल। मैंने कहा फोर, फोर वन से डिवाइड होगा, फोर से डिवाइड होगा, और किससे होगा बताना? वन और फोर के बीच में ऐसे कौन से नंबर है? वन और फोर के बीच में ऐसे कौन से नंबर है? टू और थ्री। डोंट हैव टू स्पीक। ओके, जैसे मैं लिखा फाइव, वन एंड फाइव। ओके, यू ऑल हैव टू राइट इट। समझ में आया? जो नंबर वन और अपने आप से, जो नंबर वन और आप से डिवाइड हो, वो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा चल रहा है। फोर जो है प्राइम नंबर होगा, ये फोर, फोर प्राइम नंबर होगा। फोर, फोर प्राइम नंबर नहीं है बेटा, ये प्राइम, प्राइम इज ओनली थ्री एंड फाइव ईयर। ओके, जैसे मैंने लिखा सेवन, आपको अटेंटिव रहना है बहुत ज्यादा, सेवन के बताना, वन और सेवन, एट के बताइए, वन और एट। और किस किस से हो जाता है डिवाइड? टू से और फोर से। ठीक है, तो ये क्या ना होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे सभी को ये नोटबुक में लिखना है। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे हमारे? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं हमारे जिनके इन दो फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स हो, मतलब वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी वो और नंबर से डिवाइड हो। ठीक है, वो क्या होगा? मतलब जैसे मैंने लिखा जिसके मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स हो, वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। जैसे हमने लिखा सिक्स, सिक्स में देखिए वन एंड सिक्स तो है ही, मैंने कहा है ना तब भी फैक्टर सीखने हैं आपको, सबसे पहले वन एंड इटसेल्फ को लिखना है, इसके बाद में आप देखिए। टू और थ्री, फोर से होगा नहीं, फाइव से होगा नहीं डिवाइड। तो देखिए अब यहाँ पे वन एंड इटसेल्फ जो नंबर है, इनसे भी अलग फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, टू एंड टू एंड थ्री। तो ये हमारे कैसे नंबर्स हैं? ये कैसे नंबर्स हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। समझ में आया बच्चों? जैसे मैंने लिखा ट्वेल्व, क्या लिखा? ट्वेल्व। तो देखिए वन से डिवाइड हो जाएगा और ट्वेल्व से भी। अब मैंने लिखा ये टू से, थ्री से भी हो जाएगा, फोर से भी हो जाएगा, फाइव से नहीं होगा, सिक्स से हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वन और ट्वेल्व के अलावा भी, वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी ये किससे से डिवाइड हो रहा है? टू थ्री फोर से, टू थ्री फोर से एंड सिक्स से हो रहा है ना। तो मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर है इसके, तो ये कैसा नंबर है हमारा? कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? जैसे मैंने लिखा टेन, क्या लिखा? टेन। ये वन से डिवाइड होगा, ये टेन से डिवाइड होगा, और किससे होगा? अब इसके बीच के नंबर लिखिए, वन और टेन के बीच के नंबर बताइए जिसके टेबल में क्या आता हो? टेन आता हो। एक तो टू ही है, उसके बाद में फाइव है, और फिर टेन ही आएगा। ठीक है, तो ये कितने फैक्टर्स हो गए हमारे? फोर फैक्टर्स। समझ में आ गया? प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स भी क्लियर हो गए आपके? वेरी गुड। आगे हम चलते हैं फोर प्राइम नंबर्स पर। आई थिंक इट्स एनफ फॉर यू एंड
फोर नंबर सिस्टम. ओके फर्दर वी लर्न नंबर सिस्टम को हम रिवाइज करते हैं दोबारा से. नंबर सिस्टम में मैंने आपको क्या क्या चीजें सिखाई है? मैंने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले जो नंबर सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है हमारा टू नंबर से. फर्स्ट होता है हमारा रियल नंबर एंड नंबर सेकंड होता है हमारा इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर बहुत इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर होता है वो हमारा टू नंबर से फर्दर कंसिस्ट होता है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. अब हम जानेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं. रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो पी एफ ऑन क्यू की फॉर्म में होते हैं. साथ ही में जो पी एफ ऑन क्यू की फॉर्म में हो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. यस जैसे मैंने लिखा सेवन बाई सिक्स. सेवन बाई सिक्स ये क्या है था हमारा पी एफ ऑन क्यू की फॉर्म में है ना. ये हमारा रैशनल नंबर है. फाइव बाई थ्री ये भी पी एफ ऑन क्यू की फॉर्म में हमारा रैशनल नंबर है. टू बाई सिक्स ये भी पी एफ ऑन क्यू की फॉर्म में ये भी क्या था हमारा रैशनल नंबर है. अच्छा मैंने लिखा सेवन बाई जीरो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यू के स्थान पर क्यू की जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए था और यहाँ पर आया है तो ये इसलिए रैशनल नंबर नहीं है. ठीक है. अच्छा मैंने लिखा जीरो बाई थ्री ये हमारा रैशनल नंबर है. क्यू की प्लेस पर ही जीरो नहीं आना चाहिए. थ्री के प्लेस पर आ सकता है मीन्स न्यूमरेटर में आ सकता है. ठीक है. जैसे मैंने लिखा जीरो नोट. थोड़ा सा हम एक नोट जानेंगे यहाँ पर वो क्या है. वो ये है जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो आंसर जीरो आता है. ठीक है. और तब हम तो अब यहाँ पर ये हमारा क्लियर है. और हम सीखते हैं इरेशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन. जो रूट में नंबर होते हैं ना रूट सेवन रूट फाइव रूट थ्री रूट टू एंड फाइव ये सभी हमारे कैसे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं. कैसे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं. नंबर सेकंड जो हमारा मैंने लिखा 3.53 फिर आया 0.53 फिर आया 0.053 सो ऑन. जो हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है मीन 53 उसके बाद 0.53 उसके बाद 0.053 अलग अलग नंबर्स आ रही हैं तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल. तब हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है ना तो वो भी किसके अंदर होता है. वो भी इरेशनल नंबर ही माना जाता है. इरेशनल नंबर ही होता है. नॉन रिपीटिंग डेसिमल में जो आता है वो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर. तो समझ में आ गया जो रूट में हो और नॉन रिपीटिंग डेसिमल में हो. नंबर सेकंड अब यहाँ पे हम सीखते हैं इरेशनल नंबर्स में जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो वो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर. वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. एक जैसे मैंने कहा सेवन फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव सेवन सो ऑन. एक तो जो बारह रिपीट होता है ना तो उसको ऊपर बार लगा देते हैं ये वाला. ठीक है. चलो बार तो लगा देते हैं लेकिन अब देखिए इस पर जाइए आप फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव सेवन एक यही नंबर बार बार आ रहा है फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव सेवन. तो ये कैसा है हमारा रिपीटिंग डेसिमल है. कैसा है रिपीटिंग डेसिमल है. रिपीटिंग डेसिमल तब होता है ना तो वो रैशनल नंबर के अंदर होता है. रिपीटिंग डेसिमल होता है तो वो किसके अंदर होता है रैशनल नंबर के. और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो तो वो कैसा होता है हमारा इरेशनल नंबर. तो रैशनल एंड इरेशनल आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सभी को क्लियर हुआ इतना.
रियल के अंदर हमने रैशनल सीखा, इरेशनल सीखा, इसके बाद हम सीख रहे हैं रैशनल के अंदर टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव, टर्मिनेटिव हमने बताया था, ये सब इस बार जो मेरे उसका रिवीजन चल रहा है। टर्मिनेटिव नंबर कौन से होते हैं बेटा, जिनके डिनोमिनेटर में केवल टू और फाइव और फाइव होते हैं, तो हमारे क्या होते हैं टर्मिनेटिव। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जिनके अकाउंट में टू और फाइव से क्या हो, अलग नंबर्स हो, जिनके डिनोमिनेटर में टू और फाइव से अलग नंबर्स हो, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब टर्मिनेटिंग को आगे हम सीखते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वन टू इनफाइनाइट जो होते हैं, वन टू इनफाइनाइट होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट हो और अप टू इनफाइनाइट, वो हमारा होल नंबर होता है। इसके बाद इंटीजर्स टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। राइट हैंड साइड हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं हमारे नेगेटिव। पॉजिटिव पे प्लस का साइन होता है, नेगेटिव पे माइनस का साइन। आगे हम सीखते हैं क्या, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसको, वैसे इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जेड पॉजिटिव हो जाएगा हमारा पॉजिटिव नंबर, जेड माइनस हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और इसके बाद क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इसके बाद होता है बेटा हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके टू फैक्टर्स हो, एक तो वन हो और एक इटसेल्फ हो, वन एंड इटसेल्फ, जिनके टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सेवन, वन एंड सेवन, ठीक है। आगे होता है कंपोजिट नंबर, जिनके मोर देन टू फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर्स हो, जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हो, वो क्या होते हैं हमारे, सभी को लिखना है नोटबुक में, वो क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने लिखा एट, वन टू फोर एट, ठीक है, वन टू फोर एट, ये सभी क्या है हमारे कंपोजिट नंबर्स। तो ये आपका रिवीजन है, नंबर सिस्टम यहीं पर मतलब आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम मैथ्स मैनिया क्लास एट एक्सरसाइज 2.1 को हम सीखते हैं। सबसे पहले इसमें ये पूछा है व्हाट आर रैशनल नंबर्स, क्या पूछा है इसमें, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखनी है आपको। तो आपको साथ में अपना लिखते भी चलना है। अब आपकी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, यस। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है What are rational numbers? कह रहा है ये, तो इसके अंदर हम लिखते हैं rational numbers। तो rational numbers बताने कौन से होते हैं, rational numbers are of the A by B और P by Q भी बोल सकते हैं, where A and B are integers, where A and B are integers, okay, and B is not equals to 0 and B is not equals to 0. ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7 3 by 7, तो ये A by B की फॉर्म में है, B is not equals to 0 और 3 और 7 ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर है और 7 भी। अच्छा मैंने 3 लिखा, क्या आप नहीं बता सकते ये पॉजिटिव इंटीजर है, इजीली बता सकते हैं, वैसे बताना 7 कौन सा है पॉजिटिव इंटीजर। वेरी गुड, याद है समझ में आपको,
चलिए जैसे मैंने लिखा -5/7 -5/7 ये p/q की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और -5 यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है और +7 यहाँ पर कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। पता है आपको प्लस को हम डिनोट नहीं करते नंबर के सामने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है गिव द 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 5/7। ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं जो इक्विवेलेंट हो, जब भी इक्विवेलेंट पूछे ना, इक्विवेलेंट पूछे तो अब आप बस ये देखिए कितने इक्विवेलेंट पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है, 4 इक्विवेलेंट। तो बेटा आपको 4 नंबर से 4 5/7 जस्ट फाइव बाई सेवन मीन्स 4 रैशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो 4 तक काउंटिंग लिख दो आप, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 तक लिख दो काउंटिंग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/7, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। आगे देखिए 5/7 में किससे करनी है, 2 से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ना एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, हाँ। आगे देखिए 5/7 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, किससे करेंगे, 3 से, हाँ। इसके बाद हम किससे करते हैं, 4 से करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। तो अब देखिए आंसर क्या क्या आएगा, 5/7 आएगा, इसके बाद 10/ इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10 और 7 2 14, सभी को लिखना है ये। आगे देखिए 5/7, 5 3 15 एंड 7 3 21, ठीक है। आगे 5 4 20 एंड 7 4 28, ये हमारे 4 रैशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, 4 रैशनल नंबर्स, कैसे नंबर्स हैं, 4 रैशनल नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, 4 रैशनल नंबर्स, यस। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ, क्वेश्चन थर्ड की तरफ, क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड मैं कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में हमें, देखो बच्चों एडिटिव का मतलब आप समझ रहे हो, सेंस लीजिए, एडिटिव मींस ऐड से रिलेट कर रहा है और इनवर्स मींस उल्टा। तो ऐड का उल्टा क्या होता है बताइए जल्दी, एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लाई का डिवीजन होता है, वेरी गुड। तो जब भी आपसे एडिटिव इनवर्स पूछे, आपसे भाई 3/4 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो कुछ भी नहीं है ये देखिए प्लस में लिख रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है ये, तो इसको आपको माइनस में लिख देना है, समझ में आया ना, यस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3/7 का एडिटिव इनवर्स बताना है, तो पॉजिटिव वाले को तो नेगेटिव में लिख देना है और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में लिख देना है, यस। तो ये हो जाएगा 3/7। तो ऐसे ही आपको और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ, इसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लेट क्वेश्चन फोर्थ की तरफ, जिसमें पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव
इनवर्स। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है बच्चों? देखिए मल्टीप्लाई मीन्स टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाता है? डिवाइड। यस, इसमें होता है बेटा आपको रेसिप्रोकल करना होता है। क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। जैसे आपसे कहें 2/5 का बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या हो जाएगा? 5/2। क्या हो जाएगा? 5/2। नंबर सेकंड देखिए, नंबर सेकंड हमने लिया -6/7, -6/7। तो इसका 6 -6/7 का क्या हो जाएगा? -7/6। जैसे हमने लिखा 7y-5, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? -5/7। समझ में आ गया बच्चों आपको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सभी को क्लियर है? आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। इन सबको किस में दिखाना है? डेसिमल में दिखाना है। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, डेसिमल में शो करना है। किसको शो करना है? नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल में शो करना है हमको। थ्री बाई 22 को किसको शो करना है? 3/22 को, 3/22 इट मींस 22 से हमें करना है डिवाइड, 22 से हमें करना है डिवाइड 3 में। किस में करना है? 3 से करना है, 3 में करना है 22 से डिवाइड। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे 2 डिजिट्स में डिवाइड देने के लिए, और यहाँ पे कितनी है? 1। तो डिवाइड किस में होता है? डिवाइड किस में होता है पता है ना आपको? हाँ, बड़े में होता है या फिर इक्वल में होता है। तो अब देखिए ये जाएगा नहीं, ना जाने की जीरो पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद हम जीरो ऐड कर लेते हैं। अभी कितनी बार रहेगा? 1 टाइम। कितनी टाइम रहेगा? 1 टाइम। 22 कितना बच गया? ये का रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा? 80। कितना बचा? 80। यस, अब ये कितने टाइम रहेगा? 66 टाइम, वो 2 टाइम रहेगा 66। कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब देखिए 14 में डिवाइड होगा नहीं, अब क्या लेंगे? पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो ले लेंगे, और ये इसमें 5 टाइम्स कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड कम्प्लीटली 6 टाइम होगा। ये हम पॉइंट जो है 3 डिजिट्स तक ही डिवाइड देंगे सिर्फ, 132। और ये कितना हो गया? रिमाइंडर आया 8। कितना आया? 8। रिमाइंडर आया 8। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 0.126। क्या आया हमारा आंसर? आ गया, समझ में आया? नंबर सेकंड हम लेते हैं। जैसे हमने लिखा 5/25, तो देखिए बच्चों 25 से हमें क्या करना है? डिवाइड देना है। इसमें 5 से तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 1 5 एंड 5 5 25, 5 से हम डिवाइड में देंगे 1 में देंगे, ठीक है? 1 में देंगे तो क्या करना है आपको? 1 में डिवाइड होगा नहीं, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो इसमें आ गई। अब कितनी टाइम जाएगा? ये 2 टाइम, ठीक है?
इसका आंसर कितना आ गया 0.2, कितना आ गया 0.2 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, कोई दिक्कत आपको? आगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 8 by 50, 8 by 50, इसको सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। 4 2 की टेबल से कटा, ये 2 2 4 और ये 5 4 by 25। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 25 से क्या करना है हमें, डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितने टाइम होगा देखिए, ना जाने की 0, ना जाने की 0 पॉइंट ले लिया हमने क्या, 0। कितने टाइम जाएगा ये, 25 बन जा 25, कितना आया हमारा, ये हो गया 150। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 times 150 कंप्लीट डिवाइड। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कितना हो जाएगा 0.16 हमारा क्या है आंसर। तो बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, हमने लिया 4th question, सिंपली डिवाइड है, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं है, 7 by 56 लिया, 7 by 56 को क्या करना है हमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, 7 1 7 7 8 56। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 1 में, ना जाने की 0। हाँ, तो पॉइंट ले लिया, अब क्या ले सकते हैं हम, 0 पॉइंट लगाने के बाद हम 0 ले सकते हैं, 8 1 8 कितना हो गया ये, 2 2 बचा। ठीक है, फिर से हमने क्या ले लिया, 0, क्योंकि 2 में डिवाइड होता नहीं, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 टाइम, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, कितना आया इसका, सबट्रैक्ट करने पर आ गया 4, सबट्रैक्ट करने पर 4 आ गया। फिर से आपको क्या करना है, 0 ले ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 में होगा नहीं डिवाइड, तो ये 5 times 8 5 का क्या होता है 40, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो हो गया 0.125। जब हम 7 upon 56 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 0.125, ना कि 0.125। इसको पॉइंट के बाद अलग अलग कर कर ही बोला जाता है, तो हम इसको बोलेंगे 0.125। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को समझते हैं। इसमें कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख सकते हैं हम, ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपको, इसमें कोई समझाने की नीड है नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 5th था बेटा, 6 ऐसे ही करना है, 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आपको ना ध्यान देना है इसमें। तो आप सभी को ये लिखना है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है इसमें एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर, इसको हमें रैशनल नंबर में शो करना है, क्वेश्चन है हमारा। जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन। एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर, तो बच्चों आपको पता है ना
जीरो आप हिडन करो, जीरो ये सोचो जीरो ये पॉइंट है नहीं है,